guys, I'm Prerna and thank you for joining. So as promised, I'm back with wardrobe essentials for the Indian ethnic wear. ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से वार्डरोब का ज़रूरी हिस्सा हैं क्योंकि हम इनको बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स एंड मैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. First, I'm going to start with what I like to call the ethnic replacement of t-shirts, yani ki tunics. Jab bhi mera man ek regular jeans t-shirt pehenne ka nahi karta and I want to switch up things, I always end up gravitating towards a good, well-fitted tunic, jaise ki ye. इसको मैं लेड नेकलेसेस और जीन्स के साथ पेयर करती हूँ एंड आई एंड अप फीलिंग एज कम्फर्टेबल एंड स्टाइलिश लाइक आई वुड फील इन अ जीन्स एंड टी शर्ट. ऐसी ही एक और शॉर्ट ट्यूनिक है ये. इसको मैंने स्टाइल किया था फेस्टिवल आउटफिट्स वीडियो में अलॉन्ग विद धोती पैंट्स. इस टाइप का आउटफिट कॉम्बो आप दिवाली वाले दिन सुबह घर पर पहन सकते हैं. कम्फर्टेबल भी है एंड इट लुक्स ओकेजन अप्रोप्रिएट. ऑल्सो कॉलेज या ऑफिस की दिवाली सेलिब्रेशन में आप ट्यूनिक के साथ धोती पैंट्स पेयर कर सकते हैं. रेगुलर ट्रेडिशनल वेयर से हटकर है पर अच्छा लगता है. अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्यूनिक्स नहीं पसंद एंड यू वॉन्ट टू गो फॉर समथिंग लॉन्गर देन आई रेकमेंड गोइंग फॉर सच ट्यूनिक्स. आई लव इट्स टर्मरिक येलो. जीन्स के साथ तो अच्छी लगती ही है, धोती पैंट्स के साथ भी उतनी ही अच्छी लगती है. लाइक आई मेंशन आप इसको कॉलेज या ऑफिस के दिवाली सेलिब्रेशन पर ईजिली पहनकर जा सकते हैं. इट लुक्स ऊबर स्टाइलिश एंड ट्रस्ट मी पीपल आर गोइंग टू वंडर आपने कुछ डिजाइनर पहना है. नाउ लेट अस से आपको जीन्स के साथ भी लॉन्ग ट्यूनिक्स नहीं पहननी, आपको धोती पैंट्स के साथ भी नहीं पहननी, देन ऑल्सो आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू. सो आई स्टाइल दिस लॉन्ग ट्यूनिक विद माई प्लाजो पैंट्स इन द 50 वेज टू स्टाइल प्लाजो. और उसमें मैंने मैंशन करा था कि ये कॉम्बो मुझे इतना अच्छा लग रहा है दैट आई माइट एंड अप वेयरिंग ऑन द वोटिंग डे. गेस व्हाट गाइज, मैंने ये कॉम्बो वोटिंग डे वाले दिन पहना एंड आई एम नॉट इवन किडिंग बट आई लिटरली टर्न्ड हेड्स. क्योंकि आउटफिट इतना सिंपल येट स्टाइलिश है विदाउट शोइंग एनी स्किन, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. ऑल्सो अगर लोग मुझे घूर भी रहे थे देन ऑल्सो आई वॉज कम्फर्टेबल बिकॉज आई न्यू इट्स द मैजिक ऑफ द आउटफिट. माई मदर इन लॉ लव दिस आउटफिट सो यू नो इट अपील्स अक्रॉस वेरियस एज ग्रुप्स. ये जो आप क्राफ्ट देख रहे हैं इस ट्यूनिक पर, ये जो कटवर्क है इसको एप्लीक क्राफ्ट कहते हैं. इट हैपन्स टू बी वन ऑफ द क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया एंड एज यू गाइज नो हाउ मच आई लव अ गुड हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट. ऐसी ही लॉन्ग ट्यूनिक से रिलेटेड मैं आपको एक कुर्ता दिखाना चाहती हूँ. ये एक्चुअली मेरी सिस्टर ने सिलवाया था यूजिंग सम सिल्क फैब्रिक जो घर पर पड़ी थी. इसको वो जीन्स के साथ पहनकर कॉलेज जाती थी पेयर्ड विद सम सिल्वर झुमकीज. मैं खुद इसको ब्लैक पैंट्स के साथ पेयर करके ऑफिस जा चुकी हूँ. लुक्स ऊबर कूल एंड ग्रेसफुल एस्पेशली फॉर द वेदर राइट नाउ. सिल्क्स बहुत प्यारे लगते हैं. इनफैक्ट इस कुर्ते को मैंने प्लाजो के साथ भी स्टाइल किया था एंड आई रिक्रिएटेड अ सोनम कपूर इंस्पायर्ड लुक. No guesses. And I posted a picture on Instagram. You guys loved the recreation. So such kurtas are another option. एक कुर्ता मैं और mention करना चाहती हूँ which happens to be this. So ये कुर्ता मैंने Fab India sale से लिया था. This happens to be their men's short कुर्ता. ये थ्रो अवे prices पर मिल रहा था and I was like खरीद लो, देखा जाएगा कुछ ना कुछ styling तो हो ही जाएगी as one does during the sales. So I ended up styling this kurta with black jeans and silver jhumkis. ऑफिस में सब लोगों को ये कुर्ता इतना पसंद आया सो दिस इज़ अनदर ऑप्शन दैट यू कैन गिव अ ट्राई. ऑल्सो मैं ये ट्यूनिक मेंशन करना चाहती हूँ. ये ट्यूनिक की स्पेशल बात है इसके ये टाइअप्स ऑन द शोल्डर. सो इस ट्यूनिक को मैंने यूज़ किया था मॉरिशस में एज अ स्विम सूट कवर अप. लुक्ड ऊबर कूल एंड ऑफ बीट. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड स्विम सूट कवर अप जो थोड़ा सा ऑफ बीट है, यू कैन गिव सच ट्यूनिक्स अ ट्राई. ट्यूनिक सेक्शन में ही मैं एक टॉप और मेंशन करना चाहती हूँ. दिस हैपन्स टू बी अ लॉन्ग टॉप by Fab India. The craft is called Indigo Ajrak and it has this beautiful cowl neck in the front. Why I love this top in particular is because isko main summers mein to pehen hi sakti hoon. Winters mein main isko ek blue jacket ke saath layer kar pehenti hoon and it looks killer. Also guys, I'm a sucker for pieces that are this amalgamation of western cuts and fits and Indian crafts. This definitely fits the bill and of course I love it. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, मैं आपको एक ब्लैक शॉर्ट कुर्ता दिखाना चाहती हूँ. इसको मैं अलग से इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ब्लैक कुर्ता लॉन्ग या शॉर्ट वार्डरोब में बहुत ज़रूरी है. इस पर्टिकुलर पीस को मैं प्लाजो के साथ स्टाइल कर चुकी हूँ, जीन्स के साथ स्टाइल कर चुकी हूँ. एक बार मुझे थोड़ा हैवी लुक चाहिए था तो प्लाजो के साथ ही मैंने ऊपर से दुपट्टा लेयर कर दिया एंड इट लुक्ड फेस्टिव अप्रोप्रिएट. डेनिम जैकेट के साथ स्टाइल कर चुकी हूँ, एथनिक जैकेट के साथ स्टाइल कर चुकी हूँ. ऐसी ही एक कुर्ती को मैंने एक बार नेहरू जैकेट के साथ भी स्टाइल करा था. काफ़ी कूल लग रहा था, आजकल का मीठा मौसम था, लाइक माई मॉम कॉल्स इट.
Also, अगर आप ब्लैक में लॉन्गर ऑप्शन चाहते हैं तो आप स्ट्रेट फिट कुर्ता ट्राई कर सकते हैं या मेरी तरह अनारकली कुर्ता ट्राई कर सकते हैं. इस कुर्ते को मैंने स्टिच कराया था और मैं इसको ब्लैक लेगिंग्स के साथ पेयर कर लेती हूँ और फिर नए नए दुपट्टों के साथ नए नए स्टाइल्स बनाती रहती हूँ. जितने दुपट्टे उतने स्टाइल्स. मुझे ऑल वाइट का कॉम्बो भी बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे पर्सनली वाइट अनारकली विद वाइट पजामी एंड अ हैवी दुपट्टा, इस टाइप का लुक किलर लगता है. बट एज ऑफ नाउ आई हैवन बीन एबल टू गेट माई हैंड्स ऑन अ वाइट अनारकली. तो मैं इस स्ट्रेट फिट कुर्ते से काम चला रही हूँ. ये मैंने सूट पीस खरीदा था फ्रॉम कश्मीर. इस पर पूरी कश्मीरी एम्ब्रॉयड्री है और इसको पैंट स्टाइल में स्टिच करवाया. अब मैं इसको चंदेरी दुपट्टे के साथ स्टाइल कर लेती हूँ, इंडिगो दुपट्टे के साथ स्टाइल कर लेती हूँ. इनफैक्ट मेरा इंडिगो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लीड भी हो गया. मैंने इस कुर्ते को जैकेट्स के साथ भी स्टाइल करा हुआ है, श्रग के साथ भी स्टाइल करा हुआ है. अ वेरी वर्सेटाइल पीस. कभी आपको एथनिक वेयर में कुछ पहनना है, अच्छा भी लगना है, पर समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या पहनूं, आँख बंद करके जस्ट गो फॉर एन ऑल ब्लैक या ऑल वाइट लुक और हैवी दुपट्टे के साथ पेयर कर लो, यू आर गोइंग टू लुक अमेजिंग, गारंटीड. इसी बात पर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच आर जैकेट्स स्लैश श्रग्स. तो ये दोनों पीसेस आप मेरे वीडियोस में बहुत बार देख चुके हैं. दे आर फ्रॉम jaypore.com एंड एक्सट्रीमली वर्सेटाइल. ये पर्टिकुलर श्रग वाइट कुर्ते के साथ बहुत प्यारा लगता है. इस जैकेट को तो एक बार मैंने साड़ी के साथ भी स्टाइल करा था. इट एडेड दिस पंच ऑफ ग्रेस एंड एलिगेंस टू अ साड़ी. इसको मैंने एक बार वाइट जीन्स के साथ भी स्टाइल करा था, बहुत ही मस्त लग रहा था. इन दोनों जैकेट से इंस्पायर होकर फिर मैंने एक ये जैकेट स्टिच करवा ली. ये एक रैंडम फैब्रिक घर पर पड़ी थी, उससे मैंने टेलर को एक डिज़ाइन दिखाया और फिर ये जैकेट स्टिच करवा ली. इसको मैं कुर्तों के साथ तो पहन ही सकती हूँ, बट एक बार मैंने जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ भी पहनी थी. कूल लग रही थी. इट एड्स दैट पंच ऑफ न्यूनेस टू अ रेगुलर आउटफिट. सो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन अ रेडीमेड जैकेट, सोच करके पता नहीं मुझ पर कैसी लगेगी, आई हाईली रिकमेंड कि आप फैब्रिक से एक बार एक स्टिच करा कर देख लो. आपको स्टाइल अच्छा लगा सो गो हैड एंड बाय योर सेल्फ अ जैकेट और अ श्रग. क्विकली मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे विच आर कुर्ताज. तो मुझे पर्सनली अलग अलग डिज़ाइंस के कुर्ते ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है. बी इट अंगरखा स्टाइल, अनारकली स्टाइल, स्ट्रेट फिट कुर्ता, ए लाइन कुर्ता, द लिस्ट इज एंडलेस. बट इन सब में से अगर मैं एज अ वार्डरोब एसेंशियल आपको कुछ कुर्ते डिज़ाइंस रिकमेंड करूँगी तो पहला होगा एक अनारकली जो आपकी बॉडी टाइप और हाइट को फ्लैटर करे. यहाँ मैं हाइट पर इतना एम्फेसाइज इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी हाइट जैसे 5'7" है तो सारे अनारकलीज मुझ पर अच्छे नहीं लगते. कुछ अनारकली बैरली मेरे नीज से थोड़ा सा नीचे जाते हैं एंड वो टेंट जैसे लगते हैं, बिल्कुल ग्रेसफुल नहीं लगते. मेरे हिसाब से एक ग्रेसफुल अनारकली की लेंथ होनी चाहिए एंकल से 3-4 फिंगर्स अबव. इससे ज़्यादा चलेगी बट कम बिल्कुल भी नहीं चलेगी इफ़ यू वॉन्ट दैट ग्रेसफुल लुक. इसी वजह से मेरा जो मोस्ट यूज्ड अनारकली है, इट हैपन्स टू बी दिस इंडिगो अनारकली. इट इज़ फ्रॉम फैब इंडिया. नाउ दिस अनारकली आई पेयर इट विद लेगिंग्स, पजामीज, प्लाजो, सबके साथ चल जाता है. दूसरा, एक बार मैंने इसके यहाँ बेल्ट ऐड करी, मोटी वेस्ट बेल्ट, और फिर मैंने एज अ ड्रेस इसको पहना, बहुत ही मस्त लग रहा था. दिस अनारकली ऑल्सो सर्व्स एज अ सैम्पल फॉर मी टू बिल्ड मोर अनारकलीज इन माई वार्डरोब. कई बार क्या होता है, हम पिक्चर में कोई एक बहुत अच्छा अनारकली देखते हैं और फिर टेलर से कहते हैं भैया ये लो फैब्रिक और हमारे लिए अनारकली सिल दो. एंड देन वॉट हैपन्स इज कि टेलर अपने हिसाब से कुछ सिल देता है एंड वी आर टोटली डिससेटिस्फाइड विद इट. इसी वजह से मेरी जो लर्निंग है वो है कि आपके पास अगर कोई सैम्पल है या क्लोजेस्ट रिजेंबलिंग पीस है वो अगर आप टेलर को दे दें सो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर हिम टू वर्क विद. ये अनारकली से मैंने कॉपी करवा के दो अनारकली बनवाए हैं, एक ही बार में बिल्कुल सही बने एंड आई वॉज लाइक ये कैसे कर दिया टेलर ने. तो पहला अनारकली है ये ब्लैक जो मैंने आपको पिछले सेगमेंट में दिखाया था, डिट्टो इसकी कॉपी है. अनादर इज अ पार्टी वेयर अनारकली. तो ये पार्टी वेयर अनारकली मैंने अगेन इंडिगो कुर्ते से कॉपी करवाया है डिजाइन. नाउ अनादर कैटेगरी ऑफ कुर्ता दैट आई विल रिकमेंड हैविंग इन योर वार्डरोब आर स्ट्रेट फिट कुर्ता, बट उनको पैंट्स के साथ पहनना. वर्क वेयर में अगर आपको एथनिक ही पहनना होता है और आप ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते बट स्टाइलिश भी लगना चाहते हैं सो उस केस में स्ट्रेट फिट कुर्ताज विद पैंट्स, बट उसको जुत्ती या कोल्हापुरी से पेयर मत करो.
ब्रोग्स या लोफर से पेयर करो. इतना ऊबर शीक और क्लासी लुक आता है. रेडीमेड खरीद लो या मेरी तरह स्टिच करवा लो एक सूट पीस से. जक्स्टापोजिशन के लिए सिल्वर ज्वेलरी भी ऐड कर लो. अमेजिंग लगता है. आई हैव सीन सोनम डू इट. आई हैव सीन कंगना डू इट. सो दिस इज समथिंग दैट यू टू कैन डू एट योर वर्क प्लेस. स्ट्रेट फिट कुर्तों में मैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैब्रिक रेकमेंड करूंगी एज अ वार्डरोब स्टेपल, और वो होगा एक टसर सिल्क कुर्ता. ये कुर्ता मैं तब पहनती हूँ जब मैं कॉटन का कुर्ता नहीं पहनना चाहती, हल्का सा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हूँ विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड. ऑफिस में ट्रेडिशनल डे है, इस कुर्ते को ब्लैक लेगिंग्स और ब्लैक दुपट्टे के साथ पहन लिया. राखी है, कुछ ज़्यादा ड्रेसअप होने का मन नहीं है, दिस कुर्ता कम्स हैंडी. इनफैक्ट इससे इंस्पायर होकर मैंने ये कुर्ता क्रिएट करा था. दिस वॉज माई फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट इन कॉलेज. मैंने ये गोटा पत्ती का पैच खरीदा था. इस फैब्रिक पर स्टिच करवा कर मैं कोबाल्ट ब्लू चुन्नी और पजामी के साथ इसको पेयर करती हूँ. काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ड्रेसी भी नहीं है, शादी में पहनने में भी अप्रोप्रिएट लगता है. सो दिस इज़ वन ऑप्शन. इन्हीं में अगर आप कुछ हैवी करना चाहते हो, जैसे फ्रेंड की शादी है, साड़ी नहीं पहननी, सूट पहनना है, तो आप इस टाइप की फैब्रिक खरीद सकते हो. मैंने ये फैब्रिक चांदनी चौक से खरीदी थी. फिर मैंने इसको प्लाजो पैंट्स और लॉन्ग कुर्ता स्टाइल में स्टिच करवाया. अब मैं इसको तीन अलग अलग दुपट्टों से स्टाइल करती हूँ डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन. अगर सटल रखना है, बहुत ज़्यादा कुछ जैसअप नहीं करना, तो मैं एक वाइन लिप और वाइन दुपट्टे के साथ इसको पेयर करती हूँ. अगर हल्का सा एक्स्ट्रा करना है तो चंदेरी दुपट्टा विद मिरर वर्क है मेरे पास, उसके साथ इसको स्टाइल कर लेती हूँ. और एक्स्ट्रा करना है, से मैं किसी शादी में जा रही हूँ तो मैं अपने शादी का दुपट्टा इसके साथ पेयर कर लेती हूँ. इट लुक्स ग्रेसफुल एंड दिस इज़ अनदर ऑप्शन. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू टेक दैट अनारकली रूट, यू माइट एज वेल टेक अ स्ट्रेट कुर्ता रूट. दिस इनफैक्ट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच आर दुपट्टाज. मेरे पास दो नेट के दुपट्टे हैं, एक है वाइट में, एक है ब्लैक में, एंड आई कॉल देम एज माई वार्डरोब स्टेपल्स. जब भी मुझे समझ नहीं आता इस कुर्ते के साथ कौन सा दुपट्टा लूँ, मेरा नेट दुपट्टा हमेशा चल जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये कुर्ता जब मैंने खरीदा इसके साथ कोई लोअर नहीं था, कोई दुपट्टा नहीं था. मैं इसको वाइट प्लाजो के साथ पेयर करती हूँ. उसके बाद मैंने दो तीन तरीके की फैब्रिक्स इन वाइट ट्राई करी फॉर दुपट्टा, बट सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट करा वो था वाइट नेट दुपट्टा. सेम इज़ द केस विद माई अदर कुर्ताज. अगर वाइट प्लाजो पहन रही हूँ तो वाइट नेट का दुपट्टा ले लेती हूँ, ब्लैक प्लाजो पहन रही हूँ तो ब्लैक नेट का दुपट्टा ले लेती हूँ. दुपट्टे मुझे लगता है स्पेशली विद अनारकलीज बहुत प्यारे लगते हैं. दे कंप्लीट द ओवरऑल लुक. सो हाईली रिकमेंड कि आप इन्वेस्ट करो नेट दुपट्टाज में. इस ब्लैक नेट दुपट्टे की थोड़ी सी फनी कहानी है. ये बचपन में मुझे मम्मी ने एक लहंगा खरीद के दिया था. वो लहंगा तो एक बार के बाद मैंने पहना नहीं, बट सबसे ज़्यादा जो मुझे काम आया वो था ये नेट का दुपट्टा. सो दिस इज़ अनदर टिप. गो सर्च योर लहंगाज, उसका दुपट्टा, देर आर हाई चांसेस कि वो काम आएगा. क्योंकि जब मैंने ये अनारकली स्टिच करवाया, इसको ब्लैक पजामी के साथ पहना एंड ब्लैक नेट दुपट्टा. एक बार मैंने स्कर्ट सेट और ब्लाउज कॉम्बो खरीदा था, उसके साथ कोई दुपट्टा नहीं आया, ब्लैक नेट दुपट्टा. सो हाईली रेकमेंड ब्लैक नेट दुपट्टा, व्हाइट नेट दुपट्टा एज वार्डरोब स्टेपल्स. नेक्स्ट वार्डरोब एसेंशियल आर फॉर बॉटम्स. तो ब्लैक लेगिंग्स ऑफकोर्स वार्डरोब स्टेपल हैं. ब्लैक पैंट्स भी आप ट्राई कर सकते हैं. कई बार तो मैं अपनी ऑफिस वाली पैंट्स को ही स्टाइल कर लेती हूँ कुर्तों के साथ, बहुत सही लगता है. उसके अलावा मेरे पास एक ब्लैक प्लाजो है और एक वाइट प्लाजो है. दोनों के डिज़ाइन बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए उनका गेटअप भी अलग आता है. मेरा जो ब्लैक प्लाजो है, आई एम श्योर वो आप कैमरे से नहीं समझ पाएंगे, बट इसमें कलियाँ डली हुई हैं. दिस इज फ्रॉम फैब इंडिया, वेयर एज माई वाइट प्लाजो विच ऑल्सो हैपन्स टू बी फ्रॉम फैब इंडिया, बट ये ऐसे ब्रॉड होता है, ये ए लाइन शेप में है. उस वजह से दोनों प्लाजो का गेटअप बिल्कुल डिफरेंट आता है और स्टाइल भी अलग लगता है. सो दिस इज समथिंग आई विल रेकमेंड कि आप खरीदते वक्त ध्यान में रखें आपको किस टाइप की फिटिंग पसंद है, आपकी बॉडी टाइप पर क्या अच्छा लगता है. तो ये प्लाजो खरीदते वक्त हमेशा दिमाग में रखें. मैं एक प्लाजो और रिकमेंड करूंगी जो आप टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं. मैंने 50 वेज टू स्टाइल प्लाजो में इसको बहुत बार रिपीट किया है. इनफैक्ट काफी सारा वीडियो तो इसी प्लाजो से बना है. इस टाइप के प्लाजो टॉप के साथ पहनना है, क्रॉप टॉप, बॉडी सूट, थोड़ी लॉन्ग टॉप, कुर्तीज, सबके साथ काम आते हैं. तो ये एक और तरीके का प्लाजो है जिसमें मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जरूर इन्वेस्ट करें. अब क्योंकि मेरे ब्लैक प्लाजो में नीचे कलमकारी का बॉर्डर बना है, तो मैं इसको प्रिंटेड कुर्तों के साथ नहीं पहन पाती. उस वजह से मेरे पास एक ब्लैक स्कर्ट थी. ये एक ब्लैक प्लीटेड स्कर्ट है
जो वेस्टर्न वेयर में यूजुअली मैं यूज करती थी, बट अब मैं इसको कुर्तों के साथ भी स्टाइल कर लेती हूँ। इस स्कर्ट को लॉन्ग कुर्तों के साथ थोड़ा डिफरेंट लगता है, प्लाजो और पैंट से हटकर है, ग्रेसफुल भी लगता है, तो कभी कभी मैं इस स्कर्ट को भी ट्राई करती हूँ। इनफैक्ट दिस टेक्स मी टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच आर लॉन्ग स्कर्ट। एक लॉन्ग स्कर्ट मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, चाहे एक ही हो आपकी वार्डरोब में, बट यू मस्ट हैव अ गुड लॉन्ग स्कर्ट दैट यू लाइक। सो माई पीस इज दिस इक्कत प्रिंटेड लॉन्ग स्कर्ट। मेरा जब चैनल शुरू ही हुआ था तब मैंने इसको स्टाइल करा था, आई थिंक 8 ways, 7 ways, आई डोंट रिमेम्बर। इसमें नीचे ये ऑरेंज बॉर्डर टाइप है, तो मैं ऑरेंज कुर्ते के साथ ट्राई कर चुकी हूँ। ये वाले कलर का कुर्ता भी है मेरे पास, ब्लैक के साथ भी ये चलती है, ब्लाउज के साथ भी चलती है, और एक बार मैंने इसको टॉप के साथ भी पहना था। एक्सट्रीमली वर्सेटाइल। इससे मुझे याद आया, जब मैंने चैनल नया नया शुरू किया था तो मैं इंट्रो बनाने में ना बड़ी मेहनत कर दी थी और बीट टू बीट मैच कर दी थी। सो जस्ट अ स्निपेट। नेक्स्ट कैटेगरी आर क्रॉप टॉप्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि एथनिक वार्डरोब एसेंशियल्स में क्रॉप टॉप्स कहाँ से आ गई। बट अगर आप अपनी साड़ी के साथ कुछ ऑफ बीट करना चाहते हो, या आप मेरी तरह हो जिसका 90% साड़ी कलेक्शन मम्मी से चुराया हुआ है, तो आपको क्रॉप टॉप्स बहुत काम आएंगी। जब भी मुझे साड़ी के साथ समझ नहीं आता कि मैं कौन सा ब्लाउज पहनूं या मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, मैं हमेशा उसको एक क्रॉप टॉप से स्टाइल करती हूँ। एक है मेरे पास ये डेनिम का रैप ब्लाउज स्लैश क्रॉप टॉप, इसको मैं स्टाइल कर चुकी हूँ। ब्लैक में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम फैब एली। आई थिंक फैब एली इज अ ग्रेट इंडियन ब्रांड, इट मेक्स गुड टी शर्ट्स, सो हाईली रिकमेंड यू चेक देम आउट इफ यू हैवंट। दिस वन इज इन हाफ स्लीव्स, दिस वन इज इन लॉन्गर स्लीव्स, ये मेरी विंटर्स में ज्यादा काम आती है। मेरे पास ये लेबल लाइफ की क्रॉप टॉप है, ये तो प्लाजो के साथ भी चल जाती है और उसके अलावा मैं इसको साड़ी के साथ भी स्टाइल कर लेती हूँ। मेरे पास ये व्हाइट क्रॉप टॉप है, ये भी साड़ियों के साथ चल जाती है। अभी मैंने साड़ी के साथ खुद एक पेपलम टॉप पहनी हुई है, तो मुझे लगता है इस टाइप की क्रॉप टॉप्स एक वार्डरोब एसेंशियल जरूर हैं, क्योंकि ये साड़ी को थोड़ा सा न्यूनेस देती है और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना कि आपको कुछ और लगेगा, नहीं, सब कुछ सेम है, बस आपने ब्लाउज को रिप्लेस करके एक क्रॉप टॉप पहन ली। आखिरी दो कैटेगरीज की बात करूंगी, पहली होगी शूज के लिए। हम लोग जानते हैं जुत्ती और कोल्हापुरी वार्डरोब स्टेपल है फॉर एथनिक वेयर, बट जैसे मैंने पहले मेंशन करा, आप ब्रोक्स या लोफर्स जरूर ट्राई करें साड़ी या सूट के साथ। मेरे लिए पर्सनली एक मॉडर्न इंडियन वुमन की इमेज है कि उसने साड़ी के साथ हील्स नहीं पहनी, उसने लोफर्स पहने हैं। शी इज अ मॉडर्न वर्किंग वुमन जगलिंग 1000 roles एट होम आउटसाइड, शी वॉन्ट्स टू बी कम्फर्टेबल बट इज अलाइन टू हर कल्चर, इसीलिए उसने साड़ी के साथ लोफर्स पहने हैं। नाउ सिल्वर ज्वेलरी ऑफ कोर्स लुक्स बॉम्ब विद इंडियन एथनिक वेयर। अगर आप कुछ गोल्ड कलर में या गोल्ड प्लीटेड इयररिंग्स देख रहे हैं डेली वेयर के लिए, जो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप आम्रपाली एज अ ब्रांड ट्राई करें। मैंने रिसेंटली ये दो इयररिंग्स आम्रपाली से लिए, एंड इसमें मैं आपको अपनी मम्मी की कमेंट बताऊंगी जो मुझे लगा सबसे ज्यादा वैलिड है। उनके पास गोल्ड के ऐसे फिश इयररिंग्स हैं और उन्होंने बोला कि मेरे इयररिंग्स भी इतने फैंसी नहीं लगते जितने तेरे हैं, एंड आई गॉट देम फॉर लाइक 2100 or 2400, बट या दे लुक रियली गुड इफ यू वेयर देम टू वर्क, और यू नो आई कुड इवन वेयर दिस विद अ साड़ी। अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट नेकलेस पहना है तो मैं कान में सिर्फ ये फिश पहन सकती हूँ एंड इट विल लुक अमेजिंग। सो या दिस इज वन ब्रांड दैट आई विल रिकमेंड। आई विल नॉट से अफोर्डेबल हैं, हल्के से कभी कभी प्राइसी होते हैं, बट जो डिजाइन और क्वालिटी ये ऑफर करते हैं इट इज अनमैच्ड। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन। आई होप गाइज आपको ये 2-part series अच्छी लगी, द वेस्टर्न एंड अब ये एथनिक। मैं दिवाली से पहले जानबूझकर ये सीरीज बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है दिवाली के टाइम इतनी सेल लगती है, हम कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं उस टाइम पे, ऐसी कोई एसेंशियल्स की रिकमेंडेशन कोई दे दे तो बहुत काम आती है। आई होप इन दोनों वीडियोस से आपको हेल्प मिली हो। ऑफकोर्स गिव इट अ थम्स अप एंड कॉमेंट एंड टेल मी कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मैंने कुछ मिस करा है तो प्लीज कॉमेंट में बताना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड विद दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।